Hey guys, welcome to CrazyTech. और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है आप Redmi Note 4 को ऑनलाइन फ्लैश सेल से आप बुक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि Redmi Note 4 जो है फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और सिर्फ जो है फ्लैश सेल को यूज़ किया जाता है इसको बेचने के लिए, तो बहुत ही ख़राब चीज़ है मुझे लगता है। और आप देख सकते हैं अभी 12 बजने वाला है, आज वेडनेसडे जो है 12 बजे को सेल स्टार्ट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मेरा जो अकाउंट है उसको लॉगिन किया हूँ और ये जो पेज जो है रिफ़्रेश करने वाला हूँ। मैं जो बुक करने वाला हूँ वो है रेडमी नोट 4 64 GB गोल्ड वर्जन जो है उसको मैं बुक करने वाला हूँ। मैं जो ये नॉर्मली बुक करने जा रहा हूँ, मैं कोई एक्सटेंशन और कुछ अलग सॉफ्टवेयर जो भी है उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको जो है एक फ़र्स्ट इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, जियो होगा तो भी चलेगा, और आप एक डेस्कटॉप और लैपटॉप जो है यूज़ कर सकते हैं इसको बुक करने के लिए। तो आप जस्ट क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और फ्लिपकार्ट में आपका जो है अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो है आप फ्लिपकार्ट सर्च बार में आप Redmi Note 4 बोर्ड के सर्च कीजिए, आपको जो है Redmi Note 4 का लिस्ट जो है मिल जाएगा। उसमें से जो भी आपको पसंद है उसमें जाइए और पेज जो है रिस्टार्ट मतलब रिफ़्रेश करते रहिए। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12 बजे के 10 मिनट आगे या 5 मिनट आगे कम से कम जो है अपने कंप्यूटर के सामने जो है बैठ जाएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 12 बजे नहीं बजा है अभी तक जो है कार्ट में आ गया है, तो मैं कार्ट में ऐड कर चुका हूँ। और जितनी जल्दी हो सके आप इसको जो है ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो आप एड्रेस डालेंगे वो पहले से ही आप डाल के सेव कर लीजिए। आपका जो है फ्लिपकार्ट अकाउंट में जो एड्रेस का ऑप्शन है वहाँ पर जाके पहले से ही जो है आप एड्रेस को सेट कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आगे से ही जो एड्रेस आप सेट कर लीजिए डिफ़ॉल्ट करके, और उसके बाद जो है कार्ट में ऐड करके जो है प्लेस ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके 15 और 20 सेकंड के अंदर जो है ये काम पूरा कर लीजिए, तो आपको जो है ये 100% मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा तो ऑर्डर हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं कि 12:01 में यानी कि 1 मिनट के अंदर जो इस वेबसाइट का क्या हालत हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है ये क्रैश कर रहा है। तो अभी आपको जो है जितने भी ट्राई कर लीजिए आप इसको जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है ये बहुत ही इसके ऊपर जो है अभी प्रेशर है। तो इसके बाद आपका जो है कार्ट में जो भी आप फ़ोन ऐड किए हैं वो जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो एक हफ्ते के बाद जो है ये फ़ोन सेल में आता है और वो भी इस हालत में, तो आपको बहुत ही जो है ख़राब लगेगा, गुस्सा भी आएगा। और ये रियली ख़राब है क्योंकि ये जो है वेबसाइट है इसको फ्लैश सेल को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो आपको अगर ये फ़ोन ख़रीदना है तो आपको ये परेशानी झेलनी हो सकती है। और इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे रहा है अमेज़न से जब भी आप फ्लैश सेल में कुछ भी सामान खरीदेंगे तो आप अगर उसको कार्ट में ऐड कर लीजिएगा तो आपको जो है अमेज़न 15 मिनट्स का टाइम देगा आपको उसको चेकआउट करने में। 15 मिनट्स के अंदर आपका कार्ट से जो है कोई ले नहीं सकता, यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आप कार्ट में ऐड कर चुका है फिर भी जो है आपका कार्ट से जो है कोई भी ले सकता है, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके प्लेस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अमेज़न में जो है वो 15 मिनट्स का टाइम देता है आपको जो है ऑर्डर को प्लेस करने के, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये भी देखा हूँ कि अमेज़न का वेबसाइट जो है फ्लैश सेल में क्रैश नहीं करते, यहाँ पे जो है ये बहुत ही जो है क्रैश कर रहा है। तो पता नहीं कंपनी लोग जो है कस्टमर के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप लोग जो है इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के ऊपर जो क्या बीत रहा है। पता नहीं ये कंपनी लोग आपका जो है प्रॉब्लम ये समझ पाए या नहीं पाए। जो भी है मैं इस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कैसे जो है आपको ख़रीदना है, और आपको 1 मिनट अगर हो जाए तो इसका जो है हालत कैसा हो सकता है। शायद आपको मिल भी जाए, शायद आपको ना भी मिले, तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, and if helpful then please do hit the like button, and for more such videos, tips and tricks like this, stay tuned with me by subscribing my channel. Thank you guys for watching, and I will catch you in the next video.